हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली इधर है। मेरा नाम ओकार मेरा नाम अली मेरा नाम आमिर है। दोस्तों दृश्यम मूवी अभी नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में यार पुलिस आई थी, वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, सबसे सवाल कर रही थी उनकी फैमिली के साथ। भाई ये बताओ, ये क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ, क्यों ये लड़ा था? तो उनको शक है वो गायतुंडे हरामी की वजह से, वो है काला सांड, उनको भड़काता है भाई ये विजय सालगुनकर है। तो सिंघम भाई तो उनको भाई समझा के भगा दिया। अब नेक्स्ट बार देखें आप। मैंने वो 2 तारीख की बात करके गलती की ना, लेकिन तुमने उन्हें अच्छी तरह से समझा कर भेज दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे ना? गायतोंडे, तुम्हारा दावा बकवास है। मेरे ख्याल से विजय और उसकी फैमिली सचमुच पणजी गए थे। सर, आयुष को संग तो विजय ही था। सर, हम उसे ना रिमांड में लेते, 2-4 पटके देंगे ना, सारी होशियारी निकल आएगी उसकी। एनीवे, आईजी को इन्फॉर्म कर दो। सर, पहले विजय को अंदर करते, बाद में आईजी को इन्फॉर्म किया तो। पापा, क्या पुलिस ने हमारी बात पर यकीन कर लिया होगा? पता नहीं बेटा। क्या वो वापस आएंगे? हाँ, आएंगे। क्या नाम है उसका? विजय सरगांवकर। आर यू श्योर के सैम की गाड़ी वही चला रहा था? मैडम, मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, लेकिन वो येलो कलर की हुंडई गेट्स कार ही थी। लेकिन गाड़ी विजय साड़गांवकर ही चला रहा था, ये पक्का है? हाँ सर, एकदम पक्का सर। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को वो लोग पंजी में थे। सर, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? लेकिन इतने सारे जो प्रूफ उसने दिखाए अपने ट्रिप के, वो उसने हमें होटल बिल्स और बस टिकट्स दिखाए, लेकिन वो असली है फर्जी ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा सर। अगर गायतुंडे सच बोल रहा है तो वो सारे बिल्स डुप्लीकेट होंगे। खैर, वो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल, वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। कल विजय उसकी फैमिली को और उसके दिखाए हुए सारे सबूत मेरे सामने लेके आओ। लेकिन उन्हें उठाएंगे किस चार्ज पे? किडनैपिंग, मर्डर तो नहीं, क्योंकि उसे प्रूव करने के लिए 1.5 बॉडी चाहिए। तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट। नाटिन अंकल, अंकल! अरे राणे साहब, आज इतना जल्दी? अरे वो विजय और उसकी फैमिली को पुलिस उठा के लेके गई है। पंजी के लिए कितने बजे निकले थे? हम सुबह 5:30 बजे प्राइवेट बस से पंजी के लिए निकले थे। तो उस बस का टिकट कहाँ है? वो उनके दोस्त की बस थी, इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। आप सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे थे? 8:30 बजे, तब सत्संग शुरू हो गया था। लगभग 8:30 बजे, जब तक हम पहुंचे थे तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुंची? अगर हम सब एक जैसा बयान देंगे तो उन्हें शक हो सकता है। जैसे कि समय, मम्मी और मैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, तुम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन हाँ, जब तक हम वहां पहुंचे थे सत्संग शुरू हो चुका था। वहां पहुंचने के बाद कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? पुलिस वाले जानबूझकर उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे, उन सवालों को ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब देना। प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया था कि तुम लोग वहां पहुंचने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, आधा घंटे के बाद। वो झूठ बोलेंगे कि मम्मी पापा ने ये कहा वो कहा, लेकिन हर हाल में अपने बयान पे कायम रहना। नहीं नहीं, हम पहुंचे तो प्रोग्राम शुरू हो चुका था।
क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? उन्हें अंदर ले गए। अंदर ले गए? और ये लोग कुछ बताते भी नहीं। हमें अंदर जाना है। अलाउड नहीं है। अरे विजय के ससुर है। अरे कोई भी हो, अलाउड नहीं है तो नहीं है। ऐसा कैसे अलाउड नहीं है? और हमारी बेटी भी आपकी कस्टडी में है। चलो दरवाजा खोलो, यहाँ बाद में हमने होटल में जाके खाना खाया। क्या नाम था होटल का? होटल का नाम याद नहीं है। क्या खाना खाया? पाव भाजी। और बाकी सब ने? सब ने पाव भाजी खाई। लेकिन अंजू ने बताया था कि उसने फ्राइड राइस खाया था। नहीं नहीं, वो भूल गई होगी। मुझे याद है ना, हम सब ने पाव भाजी खाई थी। हेलो, मेरे दोस्त की बस थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। नहीं, ये सरासर झूठ है। आपसे किसने कहा है? सी अब आई एम इन अ मीटिंग, ओके? आई विल हैव टू कॉल यू बैक। आई कॉल यू बैक। इंडिया टीवी के रिपोर्टर को वो कह रहे हैं, उन्हें खबर मिली है कि हमने शाम की मिसिंग केस में किसी फैमिली को अरेस्ट कर लिया। जाने दो, आई डोंट केयर महेश। आपको क्या लगता है? मैम, हमने जितना सोचा था ये फैमिली तो उससे भी टफ निकली। कोई भी अपने बयानों से मुकर नहीं रहा, स्पेशली उसकी छोटी बेटी अनु। आई एम सरप्राइज इतने कम उम्र के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी रही। That's spot on, absolutely correct. इतनी छोटी बच्ची अपने बयान में इतनी फर्म कैसे हो सकती है? Definitely कुछ गड़बड़ है ना। ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं, इसलिए अपने बयान पर टिके हुए हैं। आई मीन दैट्स अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है गाइड उन्हें को गलतफहमी हुई हो। नो महेश, एक बात तो तय है कि ये लोग सैम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन मेरा अब तक के उनके बयान के हिसाब से क्या लाइंग महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन लोगों ने। मैडम, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। आर यू स्टूपिड गायतोंडे, ऐसे नहीं कर सकते हम लाई डिटेक्टर टेस्ट। उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। सो आई कांट गेट कोर्ट ऑर्डर्स, क्योंकि उसके लिए हमें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और अब तक जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उससे तो यही साबित होता है कि ये फैमिली उस वीकेंड को यहाँ थी ही नहीं। महेश, प्रभु। यस मैम। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई है ना, तो उस कहानी के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ ले आओ। गॉट इट? यस मैम। और एक बात, अगर विजय झूठ बोल रहा है कि वो 2 और 3 तारीख को पंजी गया था, तो कोई तो होगा जिसने उसे यहाँ देखा होगा। ऑफ कोर्स, होजे नाम का एक लड़का है जो उसके ऑफिस में काम करता है। और कोई जगह जहाँ वो रेगुलरली जाता है? यस मैडम, मार्टिन्स कॉर्नर नाम का एक होटल है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। वहाँ विजय रोज आता है। ओके, तो ऑफिस वाले लड़के को और वो होटल वाले को कल यहाँ ले आओ। ओके मैडम। और एक बात, यहाँ से जाते वक्त इस फैमिली को ये लगना चाहिए कि हमने इनकी बात पे यकीन कर लिया है। जब वो सवाल कर रहे थे ना, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। अच्छा उन्होंने हमारी बात मान ली। किसने कहा उन्होंने हमारी बात मान ली? मतलब? वो इतनी जल्दी हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं, वो फिर आएंगे दुगनी तैयारी के साथ। वो फिर आएंगे क्यों? मुझे रहा, प्रॉब्लम क्या है? मैं साला हूं आपका, मुझे तो बताइए। राजेश, हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं, चुना खुले तो ही बेहतर है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बताइए क्या करना। यार इस बार सिंघम का हाथ ज्यादा, दिमाग ज्यादा चल रहा है, वरना तो लड़ता था, एक्शन कर रहा था। पर हमें भी लगा यार यहाँ खामोश क्यों है, पर जैसे ही थोड़ा आगे गए ना, अब समझ आए भाई ये बड़ा दिमाग वाला बंदा है, और अपनी फैमिली को कैसे तैयार कर दिया है भाई कि पुलिस वाले ऐसे सवाल करेंगे, उल्टा सीधा आपको तंग करेंगे। लेकिन थोड़ा उनको शक हुआ यार, जिस तरह ये बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ना, छोटी बच्ची तो ऐसे ही बोल रही थी, उनको थोड़ा शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके सवाल कर रहे हैं बड़ा ऐसे फ्री होकर जवाब दे रहे। तो इसमें थोड़ा सिंघम चुप गया, बाकी फिर भी रेडी है, फिर भी बोल रहा है अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, ये हमारा जरूर पीछा करेंगे।
यार भाई बड़ा मुकाबला सख्त है, पुलिस भी पूरा जांच पड़ताल कर रही है और सिंघम भी रेडी है। हाँ भाई बिल्कुल भाई, मुकाबला बड़ा तगड़ा है दोनों तरफ। हमारा ये सिंघम भाई का दिमाग भाई चौंका देता है हमें, वो लड़की को पहले ही तैयार कर देता है, जानबूझकर वो तुमसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे। भाई हमें तो पता है वो बता रही है था भाई झूठ बोल रहे, पर बच्ची जो जवाब दे रही ना हमें बड़ा मजा आ गया भाई। पर ये भी पुलिस वाले बड़े तगड़े, वो जो मैम साहब है ना वो भी कहती है नहीं भाई ये ऐसे किसे जवाब दे रही है लड़की। हाँ भाई ये वाला तो मजा आ रहा है बिल्कुल, खासकर सिंघम ने अपनी फैमिली को बड़ा तैयार कर दिया, तगड़ा था पहले तो उसको ज्यादा सिंघम लुल ले, मगर नहीं भाई इस बार तो जोश में आ गए, अपनी फैमिली को ना दिमाग से बचा रहा है, सारी फैमिली है ना एक साथ बोली। मगर पुलिस वाले भी भाई कम नहीं है, वो भी बोले नहीं कुछ तो डाउट दे, बाकी सारे बात तो मजा आ रहा है। गाय टुंडे की शक्ल देख रहे, वो तो साला हरामी है ना, वो बोलता है नहीं इसको पकड़ लेते अरेस्ट कर लेते, मैडम बोलती नहीं थोड़ा ठंडा हो जाए फिर देखेंगे। हाँ भाई ये वाला पार्टी बहुत अच्छा, मैं तो यार आज पी वाला पार्ट देखकर बहुत ही खुशी हुआ। और भाई ये तो सिंघम तो पहले भी पुलिस वाला था ना, पुलिस ऑफिसर पहले वाली मूवी में, इसी वजह दिमाग है सिंघम को, पीछा नहीं चढ़ रही है बड़ा हरामी है।